अर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सुवर्ण रूपस्य उपव्यया भवे श्याहु कैलास समा असंख्या नरस्य लुद्धस्सन तेहि किंचि इच्छा उ आगास समा अनंतया आश्रय आश्रय। आदमी के भीतर इच्छा भी होती है, अनिच्छ कोटि के मनुष्य भी मिल सकते हैं जिनके मन में कोई लोभ के रूप में इच्छा नहीं होती है, वे अनिच्छ मनुष्य होते हैं जिनमें लोभ के रूप में कोई इच्छा नहीं। एक प्रकार के मनुष्य अनिच्छ हैं, सारे वीतराग पुरुष मनुष्य सब अनिच्छ होते हैं। इस संदर्भ में कुछ अल्पेच्छ होते हैं, इच्छा तो रहती है परंतु अल्प इच्छा, थोड़ी इच्छा रहती है। श्रावक के 12 व्रतों में इच्छा परिमाण व्रत है, इच्छा का परिसीमन कर लिया जाता है। भोगोपभोग परिमाण, उपभोग परिभोग परिमाण, व्यक्तिगत जीवन में भोगोपभोग या उपभोग परिभोग का भी परिमाण हो जाता है। और कई मनुष्य महेच्छ होते हैं, बहुत ज्यादा इच्छा वाले लोग भी मिल सकते हैं। कई उदार मना लोग भी होते हैं, अर्जन करने की भी खूब लालसा रहती है, तो साथ में दान छोड़ना, त्यागना, वितरण करना, इसमें भी रुचि रहती है। तो महेच्छ, अल्पेच्छ, अनिच्छ, यो तीन प्रकार के मनुष्य हो जाते हैं। अनिच्छ होना तो बहुत ही ऊंची कोटि की बात है, वीतरागता आ जाए फिर अनिच्छता की स्थिति प्राप्त हो जाए। कम से कम अल्पेच्छ बनने का तो प्रयास करें। शास्त्र में कहा गया, संतोष पाहन्न रई, संतोष प्राधान्य रत है, कि संतोष की प्रधानता आ जाए। प्रधानता असंतोष की नहीं, असंतोष भी है तो सही, पर प्रधानता उसकी नहीं है। प्रधानता मन में संतोष भाव की है। तो यह बीच का एक वर्गीकरण में एक विभाग है, वह अल्पेच्छ का है। इच्छा अगर बढ़े तो इच्छा तो विराट रूप ले सकती है, इतना विराट रूप कि सोने चांदी के कई पर्वत मिल जाएं, इतने इतने असंख्य पर्वत दे दिए जाएंगे, सोने के पर्वत, चांदी के पर्वत इतने दे दिए जाएं तो भी लुब्ध आदमी है, लोभी आदमी है, उतने में भी संतोष नहीं करता है, कहीं थोड़ा और चाहिए, कुछ और चाहिए। तो शास्त्र ने मानो निष्कर्ष की भाषा में कह दिया, इच्छा उ आगास समा अनंत या आश्रय, कि इच्छा तो आकाश के समान अनंत है, आकाश का कोई और छोर नहीं होता। कोई पूछे आकाश प्रारंभ कहाँ से हुआ, आकाश का समापन कहाँ होगा, तो प्रारंभ कहीं है ही नहीं, समापन कहीं है ही नहीं, अनंत इधर चलो, चलते जाओ चलते जाओ, आकाश का कहीं अंत नहीं। इधर चलो, ऊपर चलो, नीचे चलो, विदिशा में चलो, किधर भी चलो,
आकाश का कहीं भी अंत नहीं आता है। कि धरती का मान लो एक प्रकार से कोई और छोर आ जाए, कि तीन समुद्रों का संगम आ गया, उधर साउथ में जाओ धरती का एक प्रकार से मान लो अंत आ गया, वहाँ धरती का किसी रूप में अंत मान लो, इच्छा का यानी आकाश का कहीं अंत नहीं है, तो इच्छा का अंत हो सकता है। इच्छा बढ़ती ही जाए बढ़ती ही जाए, तो इच्छा आकाश के समान अनंत हो सकती है। अब इच्छा पर हम ध्यान दें, यों इच्छा अच्छी भी हो सकती है, इच्छा लालसामय भी हो सकती है। अच्छी इच्छा इस रूप में हमारे संत विराजमान हैं, कभी आगम पढ़ें वो आगम पढ़ लें, वो आगम पढ़ लें, इतना पढ़ लिया थोड़ा और पढ़ें, और अच्छा काम करें, तपस्या कभी वर्षी तप तो हो गया, अब बेले बेले का वर्षी तप करें, तेले तेले का कर लें, कभी अठाई कर लें, वो कर लें, ऐसी इच्छा होती है कि लंबी तपस्या कर लें, अठाई कर लें, बारह कर लें, तेरह कर लें, सोलह कर लें, ऐसी भी इच्छाएं हो सकती हैं। हम इनको अच्छी इच्छा सदिच्छा कह दें भी, अच्छी इच्छा है, आध्यात्मिक उन्नयन की इच्छा है, तो इच्छा अच्छी भी हो सकती है और इच्छा अनच्छ अस्वच्छ भी हो सकती है। भौतिकता की कामना है, पैसा चाहिए और चाहिए और चाहिए, और बढ़िया मकान चाहिए और चीज चाहिए, ये लालसा है, लालसा, ये अच्छी कोटि की इच्छा नहीं होती है। तो संतोष करें और असंतोष भी रखें। संस्कृत का एक श्लोक है, संतोषस्त्र सुकर्तव्य है, स्वदारे भोजने धने, त्रिसु नैवच कर्तव्योध्ययने जपदानयो। कि संतोष रखो, स्वेदार संतोष रखो, भोजन में संतोष रखो, कि भोजन जो मिल गया वो संतोष है, वो नहीं वो मिठाई लाओ वो मंगाओ वो कुछ, जो आपके मिल गया बस उसी में संतुष्ट हैं। धने, धन भाई इतना आ गया है और ज़्यादा परिग्रह को क्यों बढ़ाएं, परिग्रह आ भी गया तो विसर्जन करें, छोड़ें, त्याग दें, तो यह धन में संतोष। और तीन चीजों में संतोष मत करो, अध्ययने जप दान योग, अध्ययन करने में संतोष नहीं। हमारे छोटे संत हैं कि इतने आगम पढ़ लिए, और आगे पढ़ो, अगला और आगम पढ़ लो, इसमें संतोष नहीं। इतने पांच सात आगम पढ़ लिए और क्या पढ़ना, इतने नहीं, 32 आगम हैं, पांच सात ही तो पढ़े हैं, आगे और पढ़ लो, और पढ़ते जाओ, एक बार पढ़े को दोबारा पढ़ लो, तिबारा पढ़ लो, तो यह तो जितना दोहन करे तो काम धेनु है, आगम तो मानो काम दोहन करते जाओ, इस काम धेनु गाय का दूध लेते जाओ, आगम का जो ज्ञान का दूध है, आगम को काम धेनु मान लें, उसमें ज्ञान है वो दुग्ध है, तो जितना दोहन करो दूध पीते जाओ, निकलता जाए पीते जाओ, दूसरों को पिलाते जाओ, फिर मंथन करो तो मक्खन निकलता जाए, मक्खन खाते जाओ खिलाते जाओ, तो ज्ञान में यानी अध्ययन में संतोष मत करो। जितना स्वाध्याय कर सको पढ़ो पढ़ो, ज्ञान कितना है, खूब ज्ञान है, जितना ले सको लो। और जप, जप करने में संतोष, तो एक माला तो फैली बढ़िया, एक माला फैली और टाइम में खाली बैठे हो तो नवकार मंत्र गिनते रहो, टाइम पाँच मिनट भी मिला तो नवकार गिन लो, समय सार्थक हो जाएगा। तो जप करने में संतोष नहीं, और दान, दान देने में संतोष नहीं, कि भी इतना दे दिया कि साधुओं को इतना, सुबह तो बरा दिया शाम को फिर बरा दो, आपके योग है तो, कि दान में संतोष नहीं। तो अध्ययन में संतोष नहीं करना चाहिए, जप करने में संतोष नहीं करना चाहिए, दान देने में संतोष नहीं करना चाहिए।
तो इन तीन चीजों में असंतोष रखो, संतोष मत करो। और कई चीजों में संतोष रखना, जो स्थान मिल गया उसमें संतोष रखो। कि मेघ रायम करिष्यै, एक रात निकाल लेंगे, क्या खास बात है। ये यहाँ तो एक दिन ही रहना है, कोई बात है वो ठीक है, संतुष्ट है, और कोई जरूरत नहीं हमको, है उसमें संतोष है। तो शास्त्रकार ने जो कहा है कि इच्छा आकाश के समान अनंत होती है, कितना ही मिल जाओ, लोभी आदमी को कितना ही दे दो, वो ईंधन कितना ही डालो, सब स्वाहा, और ईंधन चाहिए। तो यह धन रूपी ईंधन इच्छा रूपी अग्नि को मिलता है, फिर मानो इच्छा प्रज्वलित हो जाती है। तो आदमी के पास धन है, गृहस्थों के पास, अब धन में भी स्थिरता कितने रहे कहना मुश्किल है, कि धन कई चीजों में चला जाता है। कैसे? द्यूतेन मद्येन पणांगनाभिः तोयेन भूपेन हुतासनेन मलिम लुचे नांस हरेण वित्तम नियेत नाशम क्वधने स्थिरत्वम। कि भी धन में स्थिरता अब कितनी रहे न रहे। कई कई लोग हैं जुआ खेल लेते हैं, लालच है कि जुए में आ जाएगा, जुए में ऐसा धन जाता है आदमी कमजोर दरिद्र हो जाए, तो जुआ धन को खा सकता है। मध्य ने कई लोग शराब पीते हैं, शराब में पैसा बर्बाद कर देते हैं, वो पैसा वो यूं चला जाता है। और भी कोई तरीके से, तो ये ने कभी कोई बाढ़ आ गई, कुछ हो गया, धन मकान गिर गया, नष्ट हो गया, तो ऐसी संपत्ति चली जाए, धन भी साथ में चला जाए। भूपे ने कभी सरकार राजा कह दे, अभी तो राजा कह दे हमें अभी तो जरूरत है, लाओ पैसा, सेठों का पैसा हमें चाहिए, राज्य को जरूरत है, तो राजा का आदेश हो गया, तो राजा कुछ धन मंगवा ले तो चला जाए। और अनेक रूपों में कई बार आग लग जाए, किसी मकान में आग लग गई, दुकान में आग लग गई, सारा माल स्वाहा हो गया, तो दुकान में रकम भी रखी हुई थी वो भी चली गई, अग्नि से पैसा धन चला जाए। और कभी कोई चोर बढ़ जाए तो वो ले जाए क्या पता, और टैक्स वाले आए तो वे ले जाए, इनकम टैक्स और आदि, वो थोड़ा हमको दो, टैक्स वाले को टैक्स देना पड़ेगा तो वो ले जाए। तो यूं अनेक रूपों में आदमी का धन, कई रास्ते हैं धन के जाने के, यूं धन जा सकता है। तो क्वे धने स्थिरत्वम, धन में स्थिरता कहाँ है और कितनी है। तो ठीक है, धन एक आदमी के जीवन का साधन है, धन की कोई वैसे उपेक्षा भी करना मुश्किल है, कि साधु थोड़ा ही साधु बनना हो फिर तो ठीक है, भी पैसे को छोड़ना ही है, साधु नहीं बनना है तो धन तो आदमी को सामान्यतया जरूरी होता है, चाहिए। तो धन की स्थितियां हैं कि धन का नाश भी हो सकता है, कितना ही नाश हो सकता हो, पर धन के बिना सामान्यतया काम भी नहीं चलता। तो धन भी एक दुनिया की चीज है, धन को भले धिक्कार दे दो, सात बार तीन बार धिक्कार दे दो भले धन को, पर धन भी एक जरूरी सी चीज है गृहस्थों के लिए, इसलिए वह तो लक्ष्मी का एक प्रकार, लक्ष्मी है, इसलिए धन की कोई निंदा करने की जरूरत नहीं है। धन को बार 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 उसकी धिक्कार धिक्कार करने से भी क्या होगा, कि लोग छोड़ तो सकते नहीं, जरूरी भी है धन तो गृहस्थों को, तो क्या करें, करें क्या, एक तो संतोष रखो, थोड़े में संतोष रखो, ज़्यादा भौतिकता का आकर्षण मत रखो, और ईमानदारी रखो। धन का अर्जन करने में अर्थाना मर्जने नैतिकत्वम, अर्थों के अर्जन में, पैसे की कमाई में नैतिकता रखो, ईमानदारी रखो, और धन के संदर्भ में संतोष भी इतना है, और कोई लालसा नहीं है।
ज़्यादा लालसा नहीं कि कारोबार बंद कर दें क्या। अभी कारोबार बंद तो मान लो नहीं भी कर सकते, क्योंकि कारोबार के माध्यम से कितनों को सुविधा मिलती है। एक आदमी फैक्ट्री चलाता है, कारखाना बड़ा चलाता है, कितने मजदूरों का भरण पोषण हो जाता है, कितने कर्मचारियों को उनके घर का काम एक बड़े कारखाने के आधार पर चलता है। नंबर दो की बात कि कारखाने में जो माल पैदा होता है, कितने आसपास के लोगों को माल मिलता है, उनके जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और फैक्ट्री चलाने वालों को भी आय कमाई उनको भी हो, तो एक बड़े कारखाने से कितनों को सुविधा मिलती है। तो कारखाने सारे बंद कर दें तो जनता को असुविधा हो। मान लो कारोबार बंद करने कठिन भी हो सकते हैं, कारोबार चलाना सामाजिक देश की दृष्टि से उपयुक्त लाभदायी भी हो सकता है, तो ठीक है कोई कारोबार बंद न भी करें तो कम से कम अपना ईमानदारी का और साथ में कुछ समय धर्म ध्यान में भी लगाने का रखें। और बस नैतिकता, ईमानदारी, मन में संतोष कि कारोबार तो अनेक दृष्टियों से केवल कमाई ही लक्ष्य नहीं है, जनता की सुविधा, जनता को एक सुविधा देना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यह भी एक कारोबार का लक्ष्य हो सकता है। एक आदमी एक छोटे गांव में जाकर के दुकान खोलता है, छोटे गांव में, बड़े शहर में नहीं, सामान्य गांव में जाकर दुकान खोलता है। सा यहाँ दुकान क्यों खोली भी, एक तो कमाई तो खैर करनी है, साथ में इस गांव में कोई दुकान ऐसी थी नहीं, हमने दुकान खोल दी तो गांव के लोगों को सुविधा हो गई, उनको छोटी मोटी चीज़ें यहीं मिल जाती है, वरना दूर शहर में जाओ लाओ, यहाँ दुकान एक दो तीन खुल गई है तो सामान्य कपड़ा, साबुन, कुछ अनाज, कुछ रोज़मर्रे की चीज़ें हैं, साग सब्जी यहीं मिल जाती है, तो कितने सैकड़ों सैकड़ों लोगों को सुविधा मिल गई। इसलिए यहाँ गांव में दुकानें खोल ली है कि लोगों को सुविधा मिल जाए, हमारी कमाई भी साथ में हो जाए। तो कारोबार के पीछे अनेक दृष्टियाँ हो सकती हैं, पर इन सारी दृष्टियों के साथ ईमानदारी भी एक दृष्टि रहे और साथ में भई के मन में संतोष रखें, ज़्यादा लालसा, अनावश्यक लालसा न रखें। तो ये इच्छा उ आगास समा अनंत या आश्रय, शास्त्रकार ने इच्छा को अनंत बताया, कोई अंत नहीं, इच्छा बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए तो कोई अंत नहीं, बस ब्रेक लगा दें, इच्छा परिमाण कर लें तो फिर वो अंत भी यों हो सकता है। तो इच्छाओं पर ब्रेक लगाना, कार में ब्रेक, वाहन में ब्रेक होता है, वह ब्रेक भी बहुत ज़रूरी होता है, तो साथ में इच्छाओं पर भी, दिमाग की इच्छाओं पर भी हम ब्रेक लगाने, कार में ब्रेक न, वो तो गड़बड़ हो जाए मामला, ट्रक में ब्रेक, वाहन में ब्रेक चाहिए, वरना दुर्घटना घट जाए तो वाहन में ब्रेक जरूरी है, टाइम पर ब्रेक लगाना अपेक्षित होता है, तो वह ब्रेक बहुत अपेक्षित है। इसी प्रकार ये हमारे मन की जो गाड़ी है, कामना की जो गाड़ी है, इसमें भी ब्रेक लगा रहना चाहिए, टाइम इतना हो गया, अब अवरोध, अब ब्रेक लगा लो। तो यह ब्रेक लगाना हम ध्यान में रखें कि इस सीमा से ज़्यादा अब हमें संग्रह की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो गृहस्थ जीवन है, जो एक संन्यास का जीवन तो है नहीं, गृहस्थ आदमी के सामने कई जिम्मेवारियां हो सकती हैं, एक परिवार की भी जिम्मेवार, थोड़ा परिवार है बड़ा, घर में मुखिया आदमी है, उस पर कितनी जिम्मेवारियां है, बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान देना है, कुछ बड़े हो गए बच्चों की शादी पर भी ध्यान देना है, दुकान ऑफिस को भी, आर्थिक स्थिति को भी संभाल के रखना है,
परिवार में कभी कोई बीमार हो गया कभी कुछ, उनको भी चिकित्सा आदि को भी संभालना है। एक गृहस्थ पर भी परिवार की साथ में समाज के भी कई काम, समाज के भी काम हो जाते हैं। तो गृहस्थ लोग भी कितना काम करते हैं करने वाले, परिवार को भी संभालना, फिर साथ में समाज में भी कुछ अपना योगदान देना, फिर थोड़ा धर्म ध्यान साधु संत उनकी भी सेवा और में समय लगाना। तो गृहस्थ लोग भी करने वाले, अनेक प्रकार के कार्य संपादित करने वाले होते हैं। तो गृहस्थ का जो आश्रम है, गृहस्थ आश्रम घोराश्रमम, घोर आश्रम है। एक दृष्टि से साधु का जीवन तो आराम का आसान है, गृहस्थ का जीवन कठिन है। साधु के न कमाई करना, न ऑफिस जाना, न दुकान जाना, न अपना माला फेरो, धर्म ध्यान करो, लोगों को धर्मोपदेश साधना करो, और कोई दिमाग में टेंशन की कोई खास अपेक्षा शायद न भी हो। गृहस्थों को तो आर्थिक चिंता और सारे बच्चों की चिंता, शादी की चिंता और चिंता, परिवार में चिकित्सा और कितने काम, समाज की कई बातों की चिंता, कितनी चिंताएं हो सकती है। तो किसी संदर्भ में साधु का जीवन तो निश्चिंतता का काफी हो सकता है, गृहस्थों का जीवन थोड़ा घोर कठिन है, अनेक जिम्मेवारियों को संभालने का दायित्व हो सकता है। इन सब के बावजूद आदमी शांति में रहने का, ईमानदारी के रास्ते पर चलने का प्रयास करे, मन में अहिंसा की भावना रखे, तो गृहस्थ का जीवन भी काफी संयमित और सुखी रह सकता है।